सरकार में ऐसे ऐसे भी मंत्री बने जो चुनाव हार के भी मंत्री बने हैं, जो कि रिचार्ज कूपन का काम करते हैं। किसान जो होता है लाल कपड़ा देख के भड़कता है। जो 9 महीना से दोनों सदनों के सदस्य नहीं वो भी मंत्री हैं। बीच में खंजर भोग के उसने भेजा, आज देख देख के उसको तकलीफ क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। आज सदन में हंगामा होता ही जा रहा है, हर एक मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक बरकरार है। तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों पर एक बार फिर से टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि कई सारे मंत्री तो ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मंत्री पद पर बरकरार हैं, कोई चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, और कोई कोई तो ऐसे हैं मानिए कि रिचार्ज कूपन। उनका निशाना सीधे तौर पर मुकेश सहनी की ओर था, क्योंकि उन्होंने पहले भी उन्हें रिचार्ज कूपन कहा था, लेकिन इसी पर मुकेश सहनी तिलमिला गए और उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया। आप सुनिए कि पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा, फिर मुकेश सहनी ने जवाब में क्या कुछ कहा। मौत है कि वो लोग विपक्ष में मंत्री लोग खड़ा हो करके क्या बोले, 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 हम बोले इस 66% जो मंत्री दागी है, इस सरकार में ऐसे ऐसे भी मंत्री बने जो चुनाव हार के भी मंत्री बने हैं, जो कि रिचार्ज कूपन का काम करते हैं। ऐसे मंत्री है महोदय, ऐसे भी मंत्री हैं जो 9 महीना से दोनों सदनों के सदस्य नहीं वो भी मंत्री हैं। महोदय तो कैसे कैसे मंत्री बने हैं ये पूछना मेरा सवाल तो जायज है, लेकिन आपका आपका अधिकार नहीं है कि मंत्री बनाने का, ना पूछ सकते हैं शालीनता से। पूछ रहे हैं, बैठ जाइए, आप समय खत्म हुआ, हम बना नहीं रहे। अब आपका समय समाप्त हो गया, अध्यक्ष को आपको बोलने का मौका कहाँ दिया गया, लास्ट का तो 10 मिनट सब यही लोग ले लिए। मौत एक मिनट में खत्म, कंक्लूड कर लें, कंक्लूड कर लें। नहीं नहीं, कंक्लूड कर लें, कंक्लूड क्या करना, ये बेईमान निकम्मी सरकार है, हम बोल रहे हैं। नहीं फिर गलत, आप असंसदीय अपराधियों का सरकार है, असंसदीय शब्द नहीं आएगा प्रोसीडिंग में। चलिए क्या बोल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक रोज सो के उठा, पेपर में मैंने देखा तो मेरे नाम पे 5 गो क्रिमिनल केस था। मैं देख के हैरान हो गया कि ये कैसे है, वो भी क्रिमिनल केस। तो मुझे पता चला कि चुनाव के समय में कहीं पे हमारे पार्टी के या वर्कर के पदाधिकारी के द्वारा हमारे ऊपर केस हो गया, तो मैंने तो कोई जुर्म कभी नहीं किया, लेकिन क्रिमिनल केस के नाम पे 5 गो मेरे नाम पे है। तभी तो हमारे नेता विरोधी दल के नेता जी इस तरीके से बोल रहे हैं कि केस 66% दागे हैं, तो कहीं ना कहीं सही से जानकारी उस चीज को पकड़ना चाहिए। मैं ये बोलने के लिए मैं उठा था, लेकिन एक और मेरे पास तकलीफ, सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि मैं पहले सुनता था कि सांड जो होता है लाल कपड़ा देख के भड़कता है। मैं जब भी कोई बात को रखने के लिए उठता हूँ तो मुझे देख के इस तरीके से लोग क्यों भड़क जाते हैं, तो मुझे इस बात को थोड़ा सा कभी भी हमें इस तरीके से जब भी तो भाई पीठ में खंजर भोंक के उसने भेजा, आज देख देख के उसको तकलीफ क्यों हो रहा है। तो आपने देखा, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुकेश सैनी पर निशाना साधते हुए उन्हें रिचार्ज कूपन कहा, लेकिन मुकेश सैनी ने भी जवाब दिया, कहा कि हम कभी भी जेल नहीं गए हैं, कोई सजा नहीं काटी है। यानी कि लालू प्रसाद यादव पर वो निशाना साध रहे थे और तेजस्वी यादव को करारा जवाब भी दिया है मुकेश सैनी ने। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी बातें कही है आज के कार्रवाई के दौरान, कई सारी टिप्पणियां तेजस्वी यादव ने ऐसी की है जो बड़ी बहस का मुद्दा बन गए। एक बार ये कह दिया कि नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री को बोलने का मौका नहीं देंगे अगर इस तरह की चीजें होती रही। एक बार आत्मनिर्भर बिहार की नई परिभाषा उन्होंने गढ़ दी, ये कहा कि अपराधी आत्मनिर्भर हो गए हैं, स्कॉर्पियो में AK-47 हथियार लेकर खुलेआम घूमते हैं, पुलिस वालों का एनकाउंटर तक कर देते हैं। वैसे ही तेजस्वी यादव ने एक और बयान दे दिया मुकेश सैनी, जिस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।